नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप थंबनेल में देखकर आपको पता चल ही चुका होगा कि आज अपन किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना, और दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही मैं आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों आज की जो ये वीडियो है इसमें अपन बॉटल पाम के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो जो दोस्तों बड़ा प्लांट होता है जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा है ऐसे वाले प्लांट को भी बात करने वाले हैं, और दूसरे नंबर पर जो अपने जो छोटे जो बॉटल पाम के प्लांट होते हैं जब आप लगाते हो उनको उस टाइम पर उनकी कैसे केयर करनी चाहिए और उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और उसको पानी कितनी बार देना चाहिए और पानी कम देना चाहिए या ज़्यादा देना चाहिए, ये इन सभी चीज़ों की आज अपन बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों आज मैं इसमें दोनों प्रकार के बता दूंगा कि रॉयल पाम में, एरिका पाम में, ये दोनों पाम की जो वैरायटी होती है ये सब सेम वैरायटी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं अपन शुरू। अपन सबसे पहले छोटे वाले प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, इसको कैसे लगाया जाता है और इसकी देखभाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में बात करते हैं और बड़े वाले बॉटल पाम के बारे में अपन आगे इस वीडियो में आपको बता ही दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। तो आपको एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसा प्लांट लगाओ तो इसका जो खड्डा होता है वो आपको थोड़ा सा गहरा करना है। और जो गहरा करने का मतलब ये है कि आप इतना गहरा कर दीजिए उसको कि भाई उसकी जो मिट्टी की जो नमी होती है वो 2 से 3 फीट तक उसको गहरा खड्डा कर दीजिएगा, और थोड़ा सा बड़ा भी रख दीजिएगा। उससे ये होता है कि दोस्तों इसकी मिट्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा नमी बनी रहती है, तो प्लांट को ग्रो करने में मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और ये ईजिली ग्रो हो जाता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर बात मैं ये बता देता हूँ, आप जब भी ऐसा प्लांट लगाओ तो इसका जो टंक होता है मतलब रूट का जो ऊपर वाला जो तना होता है, तो मतलब इसकी रूट को ही अंदर लगाए। ज़्यादा अगर इसको तने को जो आप अंदर डाल दोगे तो इसका मतलब ये जो तना होता है ये धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। तो आपको ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना है और ज़्यादा बाहर भी नहीं रखना है, इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों लगाते वक्त आपको इसमें सोइल मतलब कि अच्छी वाली मिक्स कर लेनी है, जो आप कितनी भी अच्छी मिट्टी मिक्स करते हो उसको साइड में रख के आप अगर पीली मिट्टी का यूज़ करते हो दोस्तों तो वो बहुत ही अच्छी होती है इन सभी प्लांटों के लिए। और दूसरे नंबर पर आप इसमें दोस्तों भुरभुरी जो मिट्टी होती है, रेतीली जो मिट्टी होती है, उसका भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दोस्तों इन दोनों मिट्टी का ही इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं कोई दूसरी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो अगर आप लगवाते हो ऐसा प्लांट आपके घर में तो आप ये दोनों मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और दोस्तों आप इसमें फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल करते हो तो आप इसमें फर्टिलाइज़र भी 2 प्रकार का मिक्स कर सकते हो। एक तो दोस्तों देसी जो गोबर का खाद होता है, अगर वो मिल जाए दोस्तों तो उसका आप इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो अगर आपके पास में वर्मी कंपोज है तो फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों दोनों का रिज़ल्ट सेम ही आता है, पर थोड़ा सा क्या है कि देसी जो खाद होता है उसका रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है। और दोस्तों अब अपन क्या करते हैं कि ये जो बड़े वाले जो जितने भी प्लांट होते हैं इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, इनकी केयर टिप्स कैसे क्या होती है। तो आपको मैं आज इस वीडियो में दोनों प्लांटों के बारे में दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जो मतलब कि आप टंक को ज़्यादा मतलब अंदर नहीं डालते हो तो ये जो रूट है दोस्तों ये इसके ऊपर निकलना शुरू हो जाती है जब भी बड़ा पेड़ हो जाता है। तो ये जो आपको सभी जो प्लांट दिख रहे हैं आगे दिखाऊंगा मैं, ये सब प्लांट मतलब 20 साल से ऊपर के हो चुके हैं, मतलब कि 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये फिर इतने बड़े होने के बाद में इसके जो नीचे की जो रूट होती है वो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से पर निकलना शुरू हो जाती है, जैसे आपको इस वीडियो में दिख रही है। तो आपको अगर ऐसा दिखे तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है कि जो पीली मिट्टी की जो लेयर होती है तो वो आप इसके ऊपर थोड़ी सी और लगा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली जड़ें होती हैं, जो भी रूट होती है, तो वो दब जाती है मिट्टी के अंदर, तो प्लांट और भी ज़्यादा ईजिली ग्रो करेगा। अब मैं आपको मेन बात बता देता हूँ, जो जिस मकसद से वीडियो बनाया था मैंने वो बात बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्लांट में कभी भी पानी की कमी नहीं आने देनी है। पानी की कमी आने के बाद में दोस्तों ये प्लांट मतलब कि ग्रो तो होता है पर मतलब इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप बिल्कुल कीचड़ कर दीजिए, मतलब इसकी जब भी ऊपर वाली जो लेयर होती है मिट्टी की जो परत होती है अगर वो सूखने लग जाए तो उसके बाद में आपको इसको पानी देना ही देना है, अन्यथा ये प्लांट मतलब इतना धीरे धीरे ग्रो होगा जितना आप सोच रहे हो उतना फास्ट, और उतना आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो मैं बात बताने वाला हूँ, आप इसमें फर्टिलाइज़र कोई सा भी मिक्स कर सकते हो, पर मतलब जब भी जितनी ज़्यादा इसकी खुदाई करते रहोगे तो ये उतना ही अच्छा और हरा भरा मतलब कि ये ईजी और फास्ट ग्रो होगा। आपको तो छोटा प्लांट हो तब भी तो आप उसकी
ज़रूर से खुदाई कर दीजिएगा। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना सा ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकता है दोस्तों। और ये सभी बोटल पाम के वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के ज़रूर से चेक करना। और वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के वीडियो इसके अलग अलग बना रखे हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर से जाकर चेक करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना सा ही। मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।